بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم कैसे हो तमाम भाई बहन जैसे आप लोगों को पता था कि आदम भाई का आज ने इत्तसाब अदालत में पेश की थी और हाई कोर्ट में हमारा बेल भी सबमिट हो गया था तो इंशाल्लाह अगले जो डेट आ रहे हैं वो हमारे फ़ायदे का आ रहे हैं बेहतरीन डेट होंगे पहले तो आप लोगों को पता था कि हाई कोर्ट में हमारा बेल नहीं लगा था और अभी हमारा बेल सबमिट हो गया था आज हमारी फर्स्ट डेट थी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हमारी बेल के लिए हेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोगों को तो पता होगा हेयरिंग में दो तीन तारीखें होती हैं और ये एहतसाब अदालत में जो ट्रायल होता है ये तो चलता रहता है ना ये तो साल दो साल चार साल तक चलेगा इसमें से कोई परेशानी वाली बात है नहीं आज मौजू ख़ास टॉपिक पर है क्योंकि ख़ास टॉपिक है जो पांच मुजरमान थे हमारे फैसल अयूब आदम काबू और आदम और पाशा और जवाद भाई ये चार पांच मुजरमान थे पहले तो ट्रायल तीन मुजरमानों के बारे में चल रही थी तो तीन मुजरमान ऑलरेडी नहीं थे नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि वो लोग जज साहब ने इनको इश्तियारी बना दिया और दोबारा स्टार्ट हो जाएगा हमारी ट्रायल क्या कहते हैं सैफ आदम अमीन की और उसके अबू की ये दोबारा ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी दो जाओ सही आ रहा साहब जैसे आप लोगों को पता था कि आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे क्योंकि जवाद भाई और पाशा जो हैं हमारे कोपनी का आईटी का जो भी था उसको इश्तियारी बना दिया इश्तियारी इसलिए बना दिया क्योंकि वो लोग हाजिरी नहीं लगा रहे थे कम से कम 10 साल से ये चीज़ें चल रही थी 10 महीनों से चीज़ें चल रही थी और अभी तक इन लोगों ने कोई पेशगी में नहीं आया तो अभी दोबारा ट्रायल स्टार्ट हो गई उसमें इंशाल्लाह बेहतरी होगी और हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आज से स्टार्ट हो गई थी तो अगले 15-20 तक इंशाल्लाह हमारी बेल हो जाएगी इंशाल्लाह उम्मीद है क्योंकि कंप्लेनर की वजह से हमारी जो केस था उसमें कुछ रकावटें बहुत आ गई आप लोगों को पता होगा काफ़ी लोग कहते कि रहमान भाई आप वीडियो नहीं बना वीडियो बनाने कोई फ़ायदा नहीं होता बाद अवत किसी और टॉपिक पर वीडियो हो जाती बाद अवत किसी और टॉपिक पर आ जाती है और इस वीडियो में एक सैफ रहमान साहब को एक मैसेज देता हूँ कि आपने कहा था कि मैं लोगों को पैसे दे दूँगा आप एक रुपये भी किसी को नहीं दे सकते हो ठीक है आदम भाई है आदम भाई के टोटल 2 अरब रुपये हैं 2 अरब रुपये में बहुत कुछ दे सकते हैं लोगों को आपको तो 119 अरब रुपये का घपला है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है हर चीज़ है और आप लोगों को तो अभी तक रेफरेंस भी जमा नहीं हुआ है हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया आज पहली पेश की थी इसके बाद 2-3 पेश की और होगी तो ये तो हमारी आज माशाल्लाह अच्छी हेयरिंग होगी और ये ट्रायल तो अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा ये तो 2-3-4 साल चलेगा इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं काफ़ी लोग गलत रास्ते पर जा रहे और कुछ ग्रुपें फिर बनी हैं काफ़ी लोगों को गाइड करने के लिए तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी भी ग्रुप है फजूल है सारी APP की जितनी भी ग्रुप है सारी फजूल है इस टाइम सिर्फ 2 ग्रुपें चलती है रहमान जान टाइगर 1 रहमान जान टाइगर 2 बकाए सारी फजूल है समझ आई ना उसमें फजूल एक दूसरे को गाइड करते किसी को पता नहीं एक बंदा कराची में बैठे एक बंदा हरिपुर में बैठे एक बंदा मानसिया में बैठा है एक बंदा पता नहीं किधर बैठे दफ़ा करो उन लोगों के साथ हमारा काम नहीं हो लेकिन आप लोग कोशिश करो कि इनकी बातों में मत आऊँ ये चौधरी मोदरी सारे ये सारे टप्पे मप्पे इनको छोड़ो इनके साथ हमारा क्या किया उनकी वजह से तो हम आदम भाई जलील हो रहे हैं तो इन चीज़ों को छोड़ दो ये जाहिल लोग हैं इनकी बातों में मत आओ इन लोगों ने तो 20-20 हज़ार रुपये जमा किए और ये लोग ऐसे फजूल लोग हैं तो आप कोशिश करो कि जब तक अनवर अफरीदी साहब और नवीद साहब और मैं जब फॉर्मेशन दूँगा ये करेक्ट होगी ये सिर्फ 2 ग्रुपों में आएगी एक रहमान जान 1 में एक रहमान जान 2 में बगैर लोग मैसेज उड़ाते उसमें कोई हमारा बात नहीं है तो ये 3 बंदे ऑलरेडी हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप न्यूज़ देगा आने वाला वक़्त हमारे लिए अच्छा होगा समझ आए अभी आप लोग क्या करोगे कंप्लेन जमा करोगे उससे क्या होता है कुछ भी नहीं होता तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कंप्लेन जा रहा हूँ ये वो सारे तो इन चीज़ों को छोड़ दो समझ आई ना जो करते वो करके दिखाओ जो नहीं करते वैसे किसी के लिए ऐसे बातें ना सोचो करो तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले महीने हमारे साथ
बस जैसे आप लोगों को पता है कि 2 तारीख ट्रायल की है नेप कोर्ट में, एहतसाब अदालत में, और अगला हफ्ता इंशाल्लाह हमारी जो हेयरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आज बेल का जो एप्लीकेशन था वो सबमिट हो गया, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2-3 पेश किया होगी, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 2 या 3 होती है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सैफुर रहमान साहब ने प्री बार्गेनिंग भी किया है ना, आप लोगों को तो पता होगा, फिर भी उसको जलील कर रहे हैं। मैंने तो आप लोगों को कहा था कि भाई इसका 5-6 महीने लगेगा, और अभी भी 4-5 महीने से पहले कुछ नहीं हो सकता उसका, क्योंकि उसका गेम बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं इसलिए बार बार उसको कह रहा हूँ कि आप लोग ये जो ग्रुप में फजूल फसादे मसादे शुरू दफ़ा करो, ख़त्म नहीं करो, एक ग्रुप बनाओ साफ़ सुथरी, जैसे मारे रहमान जान, Tiger 1, Tiger 2, जब तक वीडियो नहीं आती सारे लोगों को पता चल जाते ठीक है, बस वीडियो आ जाती सब देख लेते हैं, उसमें ये चीज़ हो जाती है। और ये वॉइस माइस में कुछ भी नहीं हो सकता, लोग वॉइस कर जाते ये हो गया वो हो गया, उसमें कुछ वो नहीं होती। हाँ बस सिर्फ नवीद साहब की और रणवर भाई की जो वॉइस आते हैं वो इम्पोर्टेंट है, बकाए किसी की बातों में मत हम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा होगा, बस दुआओं में याद करो। मैं भी कोई 2-3 दिन हो गया, मेरी बाजू निकला था उसकी वजह से ज़रा तकलीफ़ में था, और ग्रुप में भी नहीं आया और मैसेज भी नहीं हुआ। तो स्पेशल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ मरते दम तक, कोई भी गलत काम हो गए फिर आप लोगों को फरमेशन दो कि भाई ये गलत रास्ता जा रहे हैं, आप लोग आओ मेरे पास सारे इकट्ठे हो जाओ। तो ऐसे कोई गलत बात नहीं है ना, कोई गलत रास्ता कोई इख्तियार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा होकर हमारे लिए होगा। सही है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ आएंगे, अल्लाह हाफिज। और एक चीज़ और है, सब्सक्राइबर जिसने सब्सक्राइबर नहीं किया सब्सक्राइबर करो, अल्लाह हाफिज।